नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं सियाटिका। सियाटिका आपको पता ही होगा, आज के समय में बहुत ही पॉपुलर हो चुकी है। हर 10वें बंदे को सियाटिका की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, या उनको स्लिप डिस्क है, कमर में दर्द है, डिस्क बल्ज हो गई है, डिस्क हर्नेटेड हो गई है, या डिस्क में कंप्रेशन आने से, वेन प्रेस होने से, साइटिका नर्व प्रेस होने से, पूरे लेग में, ये देख सकते हैं पूरे लेग में पेन होता है। पेन साइड से होता है, लेग के बैक साइड से होता है और इनर साइड से होता है। ये दोनों पाँव में भी हो सकता है, एक पाँव में भी होता है। कारण क्या होता है? गलत पोस्चर, ज़्यादा वजन उठाना, अत्यधिक परिश्रम करना, और भी कुछ कारण हो सकते हैं जिससे हमें स्लिप डिस्क साइटिका की प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसका उपचार हम कर रहे हैं एक्यूप्रेशर के माध्यम से और एक्यूपंचर चिकित्सा के माध्यम से। आप देख सकते हैं आज हमने पेशेंट पर एक्यूपंचर चिकित्सा जी है। और जो लोग इस वीडियो को, जो थेरेपिस्ट हैं, एक्यूपंचरिस्ट हैं, जो चिकित्सा करते हैं, डॉक्टर हैं, वो भी इस वीडियो को समझे और ट्रीटमेंट करना देखे कैसे करते हैं। आज हमने इनके ऊपर सिर्फ 6 नीडल लगाई है, 6 पॉइंट पर, यानी 6 पॉइंट पर बॉडी पर नीडल लगाई है सियाटिका का ट्रीटमेंट के लिए। इनको होता क्या है, बैक से पेन चल करके पूरे लेग में जाता है, हील तक, काफ मसल, थाई मसल और बटक एरिया में पेन इनको ज़्यादा रहता है। तो हमने पॉइंट कहाँ पर लगाया, देखिए सबसे पहले जो पॉइंट लगाया, देखिए टकने के पास लगाया है, ये है यूरिन ब्लेडर का 62 नंबर, यूबी चैनल का 62 नंबर पॉइंट हमने इसमें दिया है। और दूसरा हमने नी के बिल्कुल आउटर साइड में जो पॉइंट दिया हमने, यूबी 38 नंबर, यूरिन ब्लेडर का 38 नंबर पॉइंट हमने दिया है। और तीसरा पॉइंट लिया हमने गोल ब्लेडर मेरिडियन का, जीबी मेरिडियन का, जिसमें जीबी 30 नंबर, गोल ब्लेडर का 30 नंबर पॉइंट हमने इसमें दिया है। और दो पॉइंट हमने बिल्कुल बैक में हमने लिए हैं, यानी यूरिन ब्लेडर का 53 नंबर, ये यूरिन ब्लेडर का दोनों 53 नंबर हमने लिया है, दो 53 हमने दिए हैं। और एक पॉइंट हमने लिया है हाथ में, यहाँ पर देख सकते हैं हाथ में हमने SI स्मॉल इंस्टेंट, यानी छोटी हाथ का 3 नंबर पॉइंट हमने इसमें लिया है, स्मॉल इंस्टेंट SI 3 नंबर इसमें लिया है। इसको हमने 6 नीडल लगाई है पूरी बॉडी पर, 6 पॉइंट लिए सियाटिका ट्रीटमेंट के लिए। और इन पर हमने इलेक्ट्रॉनिक हल्का सा वाइब्रेशन, स्टेमुलेशन वाइब्रेशन हमने इसके अंदर नीडल्स के अंदर दिया है करीब 30 मिनट तक। इससे क्या होगा, जो मेरिडियन में जो पेन हो रहा है उन मेरिडियन पर वो बैलेंस में आ जाएगी और पेन रिकवर होगा, चाहे वो डिस्क स्लिप की वजह से हो, डिस्क हर्नेटेड की वजह से हो, या फिर डिस्क कंप्रेशन की वजह से हो, तो उसमें बेनिफिट इसमें हमें मिलेगा। तो ये है एक्यूपंचर चिकित्सा, इसमें पेन बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल माइनर सा हल्का सा 0.25 mm की जो नीडल होती है बिल्कुल बारीक होती है, पता भी नहीं चलता, बिल्कुल माइनर सा हल्का सा पेन भी नहीं होता और बिल्कुल सेफ थेरेपी आपको इसको कह सकते हैं। ये देखिए 6 नीडल के द्वारा हम कर रहे हैं सियाटिका ट्रीटमेंट, जो बहुत ही कारगर और फास्ट रिजल्ट हमने इसमें मिलते हैं। एक्यूप्रेशर से भी एडवांस है एक्यूपंचर, तो देख सकते हैं आप करीब आधे घंटे तक हम इस प्रक्रिया को ऐसे ही चलते रहने देंगे। एक्यूपंचर जो नीडल्स हमने दी है बॉडी के अंदर, उसमें हल्का हल्का स्टेमुलेशन इस टेंस मशीन के द्वारा दिया जा रहा है।